बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? दुआ है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये इलाका है सदर का और यहाँ पर KMC एंटी इंकोरिजमेंट टीम की इस वक्त कार्रवाई जारी है और रोड के ऊपर मौजूद हर किस्म की तजावीज़ात को यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि पूरे रोड के ऊपर ठेले ही ठेले मौजूद हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में बड़ा खलल पड़ जाता है और ट्रैफिक को गुजरना एक मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर ये तकरीबन बाजार लगा हुआ है एक तरीके से। अब इन ठेले वालों को यहाँ से मूव करने का कहा जा रहा है और कुछ ठेले जो हैं वो जब्त भी किए गए हैं और लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से हट जाएं रोड के ऊपर से और यहाँ से जगह खाली कर दी जाए। अब आप खुद देख सकते हैं चिंजी रक्षे वाले सारे के सारे एक ही जगह पर रोड के ऊपर मौजूद हैं और लोग भी ऐसे हैं कि मेन रोड के ऊपर खड़े हो जाते हैं और बाकायदे एक बाज़ार लग जाता है और दूसरों को जो आने वाले हैं उनके लिए तकलीफ़ का बाइस बनता है। ये आप देखते हैं ठेले वगैरह भी अब उठाने का काम तेज़ी के साथ शुरू कर दिया गया है। खैर, देखा जाए तो पूरे कराची का यही हाल है। अगर आप रात के टाइम निकलें तो हर मेन रोडों के ऊपर लाइन तारी से ठेले ठेले होते हैं। फिर लोग ख़रीदारी के लिए रुकते हैं, उनकी गाड़ियां भी बीच में रुकती हैं तो पीछे से आने वाले ट्रैफिक के लिए एक मुश्किल पैदा हो जाती है। तो ये सूरत हाल तो हमें अब शहर के हर मेन रोडों पर नज़र आ रही है। अच्छा जी, ये इलाका है पुराना सब्ज़ी मंडी और सामने ही रेड लाइन का ट्रैक भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुस्तकिल बुनियादों पर फुटपाथों पर बाकायदा दुकानें वगैरह बनाई हुई हैं और अब इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू होने वाली है। ये देखें, फुटपाथ के ऊपर मौजूद हर किस्म का सामान, सूटकेस, ये वो सब कुछ यहाँ मौजूद है। और यहाँ से जो अब हम देख सकते हैं कि KMC एंटी इंकोरेजमेंट टीम यहां पर कार्रवाई शुरू कर चुकी है। पुलिस की नफरी भी मौजूद है KMC एंटी इंकोरेजमेंट के साथ। और ये इलाका है जेल चौरंगी और यहाँ पर भी फुटपाथ पर मौजूद तजावीज़ात को हटाया जा रहा है। तो KMC का एक बड़ा ऑपरेशन सदर पुरानी सब्जी मंडी जेल चौरंगी पेंचर वाले और दीगर जितने भी लोग फुटपाथों पर मौजूद हैं मुस्तकिल बुनियादों पर उनको हटाया जा रहा है।
ये जेल चौरंगी के नीचे का एतराफ के मनाजिर, गाड़ियाँ मौजूद, तीन ट्रक जो हैं वो हमारे सामने भर के जा चुके हैं। जेल चौरंगी को भी क्लियर किया गया है। अब यहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस सब मौसम कराची का काफ़ी बेहतर है। बारिशों की पेशन गोई भी की जा चुकी है और सुनने में आ रहा है कि मंगल वाले दिन जो है कराची में शदीद तरीन बारिश होगी। बारन दुआ तो यही कि अल्लाह ताला बारन रहमत नाज़िल फरमाए। और गर्मी का जो ज़ोर है अब तो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़ीद गर्मी ख़त्म हो जाए अगर बारिश हो जाए। लेकिन बारिश फिर दुआ यही करेंगे बारन रहमत नाज़िल हो, क्योंकि हमारे शहर का तो आप हाल जानते ही हैं कि रोडों की क्या सूरत हाल हो जाती है। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर दें, कि वो चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर भी देखें फुटपाथों पर सामान मौजूद है। तो जैसे मैंने कहा ना, ये तो हर जगह मौजूद होता है ये सिस्टम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।